सो हे गाइस, तो कैसे हैं आप सभी। सो फ्रेंड्स, तो अगर आप भी लोन के लिए काफ़ी ज़्यादा परेशान हो और आपने काफ़ी सारे लोन एप्लीकेशन ट्राई कर लिया बट गाइस आपको आज तक किसी भी लोन एप्लीकेशन के अंदर लोन नहीं मिला, तो गाइस आज की इस वीडियो में एक ऐसे लोन एप्लीकेशन के बारे में बताने वाला हूँ जहाँ से आप बिना कोई इनकम प्रूफ, बिना कोई सिविल स्कोर, बस आपका एज 18 साल प्लस होना चाहिए और आपके पास पैन कार्ड, आधार कार्ड होना चाहिए, तो आप इस लोन एप्लीकेशन के अंदर 110% आप यहाँ से लोन ले सकते हो। और ये जो लोन एप्लीकेशन है गाइस, ये NBFC RBI रजिस्टर है, तो आप आसानी तरीके से इस एप्लीकेशन के अंदर बिना घबराए, बिना डरे हुए आप यहां से लोन ले सकते हो। तो गाइस ये जो लोन एप्लीकेशन है, इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं, आप वहां से जाकर इस लोन एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा और वीडियो के बीच में बता देंगे कि इस लोन एप्लीकेशन का नाम क्या है। तो चलिए गाइस वीडियो स्टार्ट करते हैं। बट गाइस वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बाजू वाले बेल आइकन को भी ऑल पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो चलिए गाइस वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, तो सबसे पहले अगर इस एप्लीकेशन की रेटिंग की बात कर लेते हैं तो यहां पर देख सकते हैं 4.4 का रेटिंग इस एप्लीकेशन को मिला हुआ है, जो काफी अच्छा रेटिंग इस एप्लीकेशन को मिला हुआ है। अगर ये अगर डाउनलोड्स की बात कर लेते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे कि 1 मिलियन प्लस, मतलब 10 लाख लोगों ने इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके यूज कर रहे हैं, तो काफी अच्छा रेटिंग इस एप्लीकेशन को मिला हुआ है और डाउनलोड भी काफी सारे लोगों ने इस एप्लीकेशन को किया हुआ है। तो कुछ इसके फीचर और आपको बता देते हैं फ्रेंड्स। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये जो लोन एप्लीकेशन है, ये 3,000 से लेकर आपको 2 लाख का यहाँ पे लोन मतलब दे सकता है, जो यहाँ पर आप देख सकते हो। अगर मान लेते हैं कि अगर मैं इस एप्लीकेशन से अगर मैं 1 लाख का यहाँ से लोन लेता हूँ, अगर 1 साल के लिए अगर यहाँ से लोन लेता हूँ, तो मुझे इंटरेस्ट रेट इन एप्लीकेशन को 26% देना है और मेरा जो 1 साल के अंदर में जो मेरा पर मंथ जो EMI मुझे इनको पेड करना है 9,953 रुपये इन्हें पेड करना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रोसेसिंग फीस 2% प्लस इंटरेस्ट रेट 18% GST सब लगा के यहाँ पे मुझे लगभग 360 रुपये मेरा यहाँ पे बन रहा है। और मुझे इसको रिपेमेंट करना है, अगर मैं 1 लाख अगर लोन लेता हूँ, मुझे इस एप्लीकेशन को रिपेमेंट करना है 1,16,996 रुपया, जो काफ़ी कम इंटरेस्ट इस एप्लीकेशन के अंदर लगता है। तो चले गए, अब हम बताते हैं कि आप इस एप्लीकेशन के अंदर लोन अप्लाई कैसे कर सकते हो और जो लोन अप्लाई आप करोगे तो आप उसको सीधा अपने बैंक अकाउंट में कैसे ट्रांसफर कर सकते हो। फ्रेंड्स, तो जैसे आप इस एप्लीकेशन को फर्स्ट टाइम ओपन करोगे तो फिर आपके सामने इस टाइप का इंटरफेस देखने को आ जाएगा, जो यहाँ पर अभी आप देख सकते हो। तो यहाँ पे आपको अपना लैंग्वेज यहाँ पे आपको अपना सिलेक्ट कर लेना है, तो यहाँ पे इंग्लिश और काफी सारे भी लैंग्वेज आ जाते हैं, यहाँ से आपको जो भी सिलेक्ट करना है आप यहाँ पे अपना लैंग्वेज सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद आपको कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर यहाँ से क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ से आप कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे, उसके बाद आपको इस एप्लीकेशन को यहाँ से परमिशन दे देना है। तो यहाँ पे आपको नीचे चेकबॉक्स वाला ऑप्शन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, तो आपको इस चेकबॉक्स वाले ऑप्शन पे यहाँ से टिक लगा के उसके बाद नीचे आपको एक्सेप्ट का ऑप्शन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है, तो आपको एक्सेप्ट वाले ऑप्शन पे यहाँ से क्लिक कर देना है। जैसे आप एक्सेप्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे, उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो साइनिंग विथ गूगल, मतलब आपको गूगल अकाउंट से इस एप्लीकेशन को साइन अप कर लेना है। इसको चलिए यहाँ से अपने गूगल अकाउंट से इसको साइन अप कर लेते हैं। जैसे आप साइनिंग विथ गूगल ऐप पर आप क्लिक करोगे, उसके बाद आपके फोन में जितना भी ईमेल होगा टोटल ईमेल यहाँ पे शो कर जाएगा, तो आपको जिस भी ईमेल से इसको मतलब लॉगिन करना है वो ईमेल पर आप क्लिक कर लीजिएगा। तो मैं अपना यहाँ से ईमेल यहाँ से अपना एक सेलेक्ट कर लिया, तो आप भी अपना एक ईमेल यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे आप अपना ईमेल वाला सेलेक्ट कर लोगे, उसके बाद फिर से आपको यहाँ से अपना परमिशन इस एप्लीकेशन को दे देना है। उसके बाद ईमेल यहाँ से डाल लेने के बाद फिर आपके सामने आ जाएगा कि आपको फुल नेम यहाँ पे इंटर कर देना, आपके पैन कार्ड पर जो भी नाम होगा वही नाम यहाँ पे इंटर करना है। उसके बाद फिर उसके नीचे आपको देखने को मिल जाएगा इंटर मोबाइल नंबर, तो यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर से इसको लॉगिन कर लेना है। उसके बाद जैसे आप ये दोनों यहाँ पे इंटर कर देते हो, फिर आपको यहाँ से कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे यहाँ से क्लिक कर लेना है। तो चलेगा, जब हम यहाँ से अपना फुल नेम यहाँ पे इंटर कर देते हैं जो मेरे पैन कार्ड में है, उसके बाद मैं अपना यहाँ पे मोबाइल नंबर इंटर कर देता हूँ, फिर मैं यहाँ से कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेता हूँ। तो सेम आप भी इसी प्रकार आपके पैन कार्ड पर जो भी नाम होगा वो नाम यहाँ पे डाल देना और अपने मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल के कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना। जैसे आप कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो आपके नंबर पर OTP आएगा, तो OTP डाल के आपको इस एप्लीकेशन को लॉगिन कर लेना। तो चलेगा, हम इसको लॉगिन कर लेते हैं। तो जैसे आप अपना मोबाइल नंबर डाल के इस एप्लीकेशन को आप लॉगिन करोगे, उसके बाद आपको सामने इस टाइप का काफी सारा ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल जाता है। यहाँ पे जैसे देख सकते हो कि यहाँ से आप पे बिल भी कर सकते हो, इंश्योरेंस भी कर सकते हो, इन्वेस्ट भी कर सकते हो। तो गाइस अब लोन लेने के लिए अब आपको क्या करना होगा, तो यहाँ पे सबसे ऊपर आपको यहाँ पे एक लोन का ऑप्शन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, तो आपको इस लोन वाले ऑप्शन पे यहाँ से क्लिक कर लेना। तो चलेगा, हम यहाँ से लोन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेते हैं। जैसे आप यहाँ से लोन वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे, उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो कि आपको अपना पैन कार्ड का यहाँ पे नंबर डाल देना है और आपके पैन कार्ड में जो भी डेट ऑफ बर्थ होगा वो डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद आप जिस भी एरिया में रहते हो उसका पिन कोड होगा वो पिन कोड भी आपको यहाँ पे इंटर कर देना है। जैसे आप इस तीनों चीज़ को यहाँ पे इंटर कर दोगे, उसके बाद यहाँ से आपको नेक्स्ट कर देना है। तो चलेगा, हम ये तीनों चीज़ को यहाँ पे इंटर कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके फिर उसके आगे का आपको प्रोसेस बताते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे अपना पैन कार्ड का यहाँ पे नंबर डाल दिया हूँ, उसके बाद मैंने अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे इंटर कर दिया, उसके बाद मैंने अपना पिन कोड यहाँ पे डाल दिया, मेरे एरिया का जो भी पिन कोड है वो पिन कोड मैंने यहाँ पे इंटर कर दिया है। तो आप इसी प्रकार से अपने एरिया का जो भी पिन कोड होगा और अपना पैन कार्ड का नंबर, अपना डेट ऑफ बर्थ ये सब इंटर करके उसके बाद आपको यहाँ से अपना नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। तो चलेगा, हम यहाँ से नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेते हैं। जैसे आप नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे, उसके बाद आपके सामने इस टाइप का पेज खुल के आ जाएगा, जो यहाँ पर अभी आप देख सकते हो। तो अब आपको यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट टाइप यहाँ पे सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर देख सकते हो कि अगर आप सैलरीड पर्सन हो तो यहाँ पर
आप सैलरीड पर्सन सेलेक्ट कर सकते हो। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो गाइस, यहाँ सेल्फ एम्प्लॉयड भी सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद आप मंथली इनकम जो मतलब कितना आपका आता है गाइस, वो मंथली इनकम यहाँ पर डाल देना है। आपको 25,000 से ऊपर ही डालना, 25,000 से कम नहीं डालना। 25 से 30 भी डाल सकते हो या 25 से 50 के बीच में भी आप इंटर कर सकते हो। उसके बाद जो आपका जो आप कितने दिन से आप काम करते हो, कितने साल से, वो डाल देना, मंथ यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद आपको अपने कंपनी का यहाँ पे नाम डाल देना है। तो जैसे आप ये सब अपना यहाँ पे डाल दोगे, उसके बाद नीचे आपको गेट लोन वाले ऑफर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। तो चलिए गाइस, हम यहाँ से ये सब इंटर कर लेते हैं, फिर गेट लोन ऑफर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेते हैं। तो जैसे मैंने वहाँ से गेट लोन ऑफर वाले ऑप्शन पे क्लिक किया, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉन्ग्रेचुलेशन यू आर एलिजिबल, मतलब मैं लोन के लिए यहाँ से एलिजिबल हूँ। तो आपके सामने भी इस टाइप का इंटरफेस आ जाएगा, जो अगर आप एलिजिबल हो गए तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा, जो देख सकते हैं कॉन्ग्रेचुलेशन यू आर एलिजिबल का ऑप्शन मुझे यहाँ पे मिल चुका है। तो अब आपको यहाँ से अप्लाई वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। तो चलिए गाइस, हम यहाँ से अप्लाई वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेते हैं। जैसे आप अप्लाई वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे, उसके बाद आपको बता दिया जाएगा कि आप कितने लोन के लिए एलिजिबल हो। यहाँ पर देख सकते हैं मैं 3,000 से लेकर 10,000 के बीच में मैं जितना चाहूँ उतना लोन ले सकता हूँ। तो इस लोन को लेने के लिए पहले तो मैं आपको यह भी दिखा देता हूँ, यहाँ से मैं 3 महीना से लेकर 4 महीना के लिए ही इसको लोन ले सकता हूँ, 3,000 से लेकर 10,000 तक का। तो इस लोन को लेने के लिए आपको सीधा यहाँ से प्रोसीड वाला ऑप्शन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। तो आपको प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। तो चलेगा, हम प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेते हैं। तो जैसे आप प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे, उसके बाद यहाँ पर ऊपर आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपको 3 चीज़ वेरीफाई करना है, एक आपको एड्रेस, एक आपको लोन डिटेल्स, एक KYC। तो लास्ट आपको KYC करना है। तो पहले आपको एड्रेस यहाँ पे इंटर कर लेना है। तो एड्रेस में करना क्या है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, अगर आप मेल हो तो मेल यहाँ पे इंटर कर दीजिए, अगर आप फीमेल तो फीमेल भी यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको अपना करियर टाइप का मतलब आप जहाँ रहते हो वहाँ का एड्रेस डाल देना है। उसके बाद आपको अपना घर का एड्रेस डाल देना है। उसके बाद आपको जहाँ पर आपका एरिया, जिस भी एरिया में आपका घर है, वो भी यहाँ पे डाल देना। उसके बाद आपको स्ट्रीट नेम यहाँ पे आपको इंटर कर देना है। जैसे ये सब आप यहाँ पे इंटर कर देते हो, उसके आपको यहाँ पे नीचे सेव का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो आपको सेव वाले ऑप्शन पे यहाँ से क्लिक कर लेना है। तो चले गए, हम ये सब अपना इंटर कर लेते हैं, फिर सेव वाले ऑप्शन पे हम यहाँ से क्लिक कर लेते हैं। तो जैसे वहाँ से आप सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे, उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैं 3,000 से लेकर 4,458,752,786,010,000 जितना का चाहूँ उतना का लोन ले सकता हूँ। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं 2 महीना के लिए, 3 महीना के लिए, 4 महीना के लिए मैं जितना का चाहूँ उतना का यहाँ से लोन ले सकता हूँ। मुझे 10,000 का जरूरत है और वो भी 4 महीना के लिए, तो मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आप किस पर्पज़ के लिए यहाँ पर लोन लेना चाहते हो, वो पर्पज़ यहाँ सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आपको अपने अकाउंट का होल्डर नेम डाल देना है, अपने अकाउंट का जो भी आपका नाम होगा वो नाम यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद जो आपका जो सैलरी आता है, वो आपके किस अकाउंट में सैलरी आता है, तो वो आप अपना सैलरी का अकाउंट नंबर यहाँ पर डाल दोगे और उसी का IFSC कोड आपको यहाँ पर इंटर कर देना है। जैसे आप ये सब यहाँ पर इंटर कर दोगे, उसके बाद आपको सेव एंड प्रोसीड वाले ऑप्शन यहाँ से क्लिक कर लेना है। चलिए गाइस, हम ये सब अपना इंटर कर लेते हैं, फिर सेव एंड प्रोसीड वाले ऑप्शन में क्लिक कर लेते हैं। तो आप भी इसी प्रकार से ये सब अपना इंटर कर लेना, फिर सेव एंड प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना। जैसे वहां से सेव एंड प्रोसीड वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करोगे, उसके बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है एड्रेस प्रूफ का गाइस। तो एड्रेस प्रूफ से आपको इस और एरो वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप इस एरो वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे, तो आपको अपने आधार कार्ड से इसको KYC कर लेना है। तो चले गए, हम अपने आधार कार्ड से इसको KYC कर लेते हैं। उसके बाद मैं अप्लाई फॉर लोन वाले ऑप्शन पे यहाँ से क्लिक कर लेता हूँ। तो जैसे मैं वहाँ से KYC करके अप्लाई फॉर लोन वाले ऑप्शन पे क्लिक किया, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मुझे 4 महीने के लिए यहाँ से लोन मिल रहा है और इंटरेस्ट रेट मुझे लग रहा है 2.71% मुझे पर मंथ का इंटरेस्ट लगेगा। और मेरा जो EMI पर मंथ का यहाँ पे मतलब 4 महीने के लिए जो बनेगा 2771 रुपया मुझे बनेगा। और मेरा GST प्लस प्रोसेसिंग फीस मेरा 590 रुपया मुझे यहाँ पे देना पड़ेगा। और मुझे टोटल रीपेमेंट मतलब इस एप्लीकेशन को करना है, अगर मैं 10,000 का लोन लेता हूँ तो मुझे 11,084 रुपया मुझे इसको रीपेमेंट करना है। तो इस लोन को लेने के लिए आपको सीधा एक्सेप्ट लोन ऑफर वाले ऑप्शन पर आपको यहाँ से क्लिक कर लेना है। तो चले गाइस, हम यहाँ से एक्सेप्ट लोन ऑफर वाले ऑप्शन पर हम यहाँ से क्लिक कर लेते हैं। तो जैसे वहाँ से आप एक्सेप्ट लोन ऑफर वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे, फिर आपके सामने इस टाइप का इंटरफेस आ जाएगा, साइन योर लोन एग्रीमेंट गाइस। तो आपको यहाँ नंबर पर एक OTP आएगा, जो OTP यहाँ पर डाल देना है। तो गाइस चलिए, यहाँ से अपना OTP इंटर करके फिर वेरीफाई वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेते हैं। तो आप इसी प्रकार से अपना OTP यहाँ पर इंटर कर देना, फिर वेरीफाई वाले ऑप्शन पर यहाँ से आप क्लिक कर लेना। जैसे वहाँ से वेरीफाई वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे, उसके बाद फिर आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा ई मैंडेट का, जो यहाँ पर आप देख सकते हो। तो ई मैंडेट आपको यहाँ से रजिस्टर करना, जो यहाँ पर देख सकते हो, नेट बैंकिंग से भी कर सकते हो और डेबिट कार्ड से भी कर सकते हो। तो ये होता क्या है, अगर आप यहाँ से अगर लोन लेते हो तो ये आपके बैंक से ऑटोमेटिक आपका जो रीपेमेंट का टाइम होता है वो ऑटोमेटिक कट हो जाएगा आपके बैंक से। तो ये यहाँ से आपको इस एरो वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। तो चलेगा, हम इस एरो वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेते हैं। जैसे आप इस एरो वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे, उसके बाद आपके सामने 2 ऑप्शन आ जाता है, एक आ जाता है नेट बैंकिंग का, एक आ जाता है डेबिट कार्ड का। तो आप इस दोनों में से किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो गाइस, मैं यहाँ से नेट बैंकिंग को सिलेक्ट कर रहा हूँ। अगर आपके पास नेट बैंकिंग नहीं है तो आप यहाँ से डेबिट कार्ड भी यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो जैसे मैंने वहाँ से नेट बैंकिंग को यहाँ से सिलेक्ट किया, तो यहाँ पर देख सकते हैं थैंक यू का ऑप्शन आ चुका है और मुझे 1 से 1.5 घंटा के अंदर में यहाँ से लोन मिल जाएगा। लगभग मुझे 1 से 1.5 घंटा के ही अंदर में यहाँ से लोन मिल जाएगा। तो मैं 1 से 1.5 घंटा यहाँ पे वेट कर लेता हूँ। सो गाइस, तो आप यहाँ से देख सकते हो कि मेरे अकाउंट
अकाउंट में यहाँ से पैसा भेज दिया गया है उस लोन एप्लीकेशन के द्वारा, जो देख सकते हैं 9463 रुपया 43 पैसा मेरे अकाउंट में यहाँ से भेज दिया गया है। यहाँ से आप लाइव प्रूफ यहाँ से आप देख सकते हो। तो आप भी इसी प्रकार से इस लोन एप्लीकेशन के अंदर लोन अप्लाई कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं कि इस लोन एप्लीकेशन का नाम क्या है। तो गाइस इस लोन एप्लीकेशन का नाम है माई शुभ लाइफ लोन ऐप, गाइस जो काफी अच्छा लोन ऐप है। अगर मान लेते हैं कि किसी भी कारण अगर माई शुभ लाइफ लोन ऐप के अंदर अगर आपको लोन नहीं मिलता है तो आपको घबराना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि गाइज मैंने 50 लोन एप्लीकेशन के ऊपर वीडियो बनाया है जिसका लिंक मैं वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। आप वहाँ से जाकर उस लोन एप्लीकेशन को भी आप ट्राई कर सकते हो। उसमें आपको कोई भी इनकम प्रूफ, कोई भी सिविल स्कोर का जरूरत नहीं है, बस आपका एज 18 साल प्लस होना चाहिए और आपके पास पैन कार्ड आधार कार्ड होना चाहिए, तो आपको वहाँ से 110% आपको वहाँ से लोन मिल जाएगा। और मैंने काफ़ी सारे लोगों को वहाँ से लोन दिलवाया हुआ है और आप भी जाकर उसमें से लोन ले सकते हो। वहाँ से आपको 110% आपको वहाँ से लोन मिल जाएगा, कोई भी सिविल स्कोर, कोई भी इनकम प्रूफ की जरूरत नहीं है। तो आप भी जाकर वहाँ से आधार कार्ड पैन कार्ड अपलोड करके वहाँ से आप लोन ले सकते हो। तो बस गाइज आज की वीडियो में इतना है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बाजू वाले बेल आइकन को भी ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो चलिए गाइस मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।